लेंगे, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए कंटिन्यू करते हैं इसमें। डिज़ायरेबल फीचर्स ऑफ द कंटेनर, जो लास्ट मैंने आपको टॉपिक कवर किया था उसके अंदर मैंने आपको जो लास्ट हेडिंग कवर की थी दैट वाज द टाइप्स ऑफ द पैकिंग मटेरियल, कि जो पैकिंग मटेरियल है, जो कंटेनर्स का पैकिंग मटेरियल किस किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, कैसे हम उसको सेलेक्ट करते हैं, कि वो डिपेंड करता था स्टेबिलिटी के ऊपर, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, जिसमें हमने हर्मेटिकली सील्ड एयर क्लोज्ड कंटेनर, वेल क्लोज्ड कंटेनर, लाइट सेंसिटिव कंटेनर और चाइल्ड रेसिस्टेंस कंटेनर को स्टडी किया था। तो आज जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी दैट इज द डिजायरेबल फीचर ऑफ द कंटेनर। तो चलिए, जो हम जब कंटेनर सेलेक्ट करते हैं पैकिंग ऑफ मटेरियल के लिए, तो उस कंटेनर के क्या क्या डिजायरेबल फीचर्स होने चाहिए, क्या क्या मेन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि हम उसको सेलेक्ट कर सकें, या उसके अंदर हमें कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो कंसिडर करने चाहिए डिफरेंट डिफरेंट डोसेज फॉर्म्स के लिए। तो इन पॉइंट्स में, वैसे तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अगर मैं लिस्ट बनाने लगूँ तो बहुत लंबी लिस्ट है, तो बेटर है कि उनको हम इनके बायोलॉजिकल, मैकेनिकल, फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम इनको क्लासीफाई कर लें, तो आपको वो अंडरस्टैंड करना भी ईजी हो जाएगा। तो जनरल, अगर हम एक जनरल व्यू देखें, तो एक अगर जो कंटेनर है उस कंटेनर को सेलेक्ट करते हुए हमें कुछ एक चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि अगर कंटेनर है आपका, उसका सरफेस है वो क्लीन होना चाहिए, वो जो कंटेनर है आपका इट शुड बी द नॉन रिएक्टिव, जो आपके डोसेज फॉर्म है उसके साथ नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए, कि किसी भी तरह की कोई रिएक्टिविटी नहीं होनी चाहिए उस डोसेज फॉर्म के साथ। जो कंटेनर है, कंटेनर के ऊपर जो आपने लेबलिंग की हुई है वो लेबलिंग आपको क्लियर होनी चाहिए, हर एक उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस या जो उसके ऊपर डोसेज फॉर्म्स की क्वांटिटीज या मेडिसिन की क्वांटिटीज है सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अगर आप उस कंटेनर को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो उस कंटेनर की स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए कि वो उसको ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे जो उसको शॉक लगता है, उस शॉक अब्सॉर्बिंग मटेरियल होना चाहिए। स्टरलाइजेशन के टाइम अगर हम कोई हीटिंग मेथड यूज कर रहे हैं, तो वो उस हीट को टॉलरेट करने की उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इस तरह से बहुत सारे पॉइंट है अगर हम इनको कंसीडर कर सकें, करना चाहें तो, लेकिन इसमें हम इसको बेटर है कि इसके क्लासेस के हिसाब से इसको कंसीडर करेंगे। तो डिजायरेबल फीचर्स में इसमें फर्स्ट जो क्लासिकल है दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं कंटेनर की विच शुड बी द कंसीडर्ड, फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेकेंड वन इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, थर्ड वन इज द केमिकल रिएक्टिविटी या केमिकल प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हो आप इसको, फोर्थ वन इज द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एंड फिफ्थ इज द इकोनॉमिकल वैल्यू। तो ये पांच फैक्टर्स हैं जो हमें कंसीडर करने चाहिए ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ अ कंटेनर, कि कौन कौन से इसमें डिजायरेबल फीचर्स होने चाहिए। वन बाय वन इसमें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज जब हम डिस्कस करेंगे तो बाकी चार पॉइंट्स को आप साइड पे रख दीजिए, तो इसमें पॉइंट्स अपने आप आपके दिमाग में आएंगे। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या क्या पॉइंट्स कंसीडर कर सकते हैं। फर्स्ट, द कंटेनर शुड बी गुड लुकिंग। जो कोई भी, देखिए अगर हम कोई भी चीज है, कोई भी, सपोज डोसेज फॉर्म की बात नहीं करते, किसी और भी चीज के लिए कोई भी चीज अगर आप मार्केट से खरीदने जाओगे, तो सबसे पहले हम उसकी अपीयरेंस देखते हैं, उसकी लुक देखते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई चीजों की अपीयरेंस ऐसी होती है कि हमें लगता है कि नहीं, इट्स अ चीप क्वालिटी। ठीक है, उसी तरह से सेम डोसेज फॉर्म में भी है कि अपीयरेंस सबसे पहले मैटर करेगी। कि अगर कोई ग्लास कंटेनर है या कोई प्लास्टिक कंटेनर है या कोई भी कंटेनर है, इट मस्ट बी द क्लियर, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, उसकी जो लुक है इट मस्ट बी द प्रॉपर और एलिगेंट लुक। द कंटेनर की जो सबसे पहले अपीयरेंस मैटर करेगी, कि व्हाट इज इट्स अपीयरेंस। अगर कोई ग्लास कंटेनर है तो उसका सरफेस बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, जैसे सपोज अगर हम इंजेक्टेबल्स में, पेरेंटल प्रिपरेशंस के अंदर ट्रांसपेरेंट ग्लास कंटेनर्स यूज करते हैं, या जो हमारे आई प्रिपरेशंस हैं या ईयर प्रिपरेशंस हैं उनके अंदर हम जो कंटेनर्स यूज करते हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट कंटेनर
कंटेनर्स यूज करने का क्या पर्पज है कि अगर किसी भी तरह की कोई कंटेमिनेशन है, कोई पार्टिकुलेट मैटर है, तो वो पार्टिकुलेट मैटर हमें उसके अंदर विजिबल हो सके ताकि हम उस प्रिपरेशन को ना यूज कर सके। तो सबसे पहले है उसकी अपीयरेंस, सेकेंड फैक्टर है कि जो कंटेनर है आपका, कंटेनर का जो कलर है, कंटेनर ऐसा कंटेनर नहीं होना चाहिए कि जिससे उस कंटेनर का कलर छूटता हो, ऐसा कंटेनर नहीं होना चाहिए जिसके अंदर, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक के अंदर एक प्लास्टिक की स्मेल आती है, प्लास्टिक का एक बड़ा अजीब सा ऑर्डर आता है कि वो प्लास्टिक का ऑर्डर आपके मेडिसिन के साथ रिएक्ट ना करे, या उसके कारण आपके जो मेडिसिन है उस मेडिसिन के साथ आपका उस कंटेनर का जो है टेस्ट चेंज ना हो। तो इसमें तीनों बाकी चीजें आ जाएंगी, कलर, ऑर्डर एंड टेस्ट। तो ये चीजें जो हैं आपकी मेडिसिन को इफेक्ट नहीं करनी चाहिए, ये चीजें हमारे कंटेनर की हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि व्हाट इज इट्स अपीयरेंस। इट्स अपीयरेंस शुड बी नीट एंड क्लीन। अगर आपकी एम्बर कलर्ड बॉटल है तो एम्बर कलर्ड बॉटल प्रॉपर एम्बर कलर्ड होना चाहिए, इसमें रेगुलर सरफेस होना चाहिए, स्मूथ सरफेस होना चाहिए, इसका जो कलर, ऑर्डर या टेस्ट किसी भी तरह से हमारे जो डोसेज फॉर्म है, हमारे डोसेज फॉर्म के कलर, ऑर्डर या टेस्ट को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। सेकेंड वन इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड दिस आर रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द कंटेनर। स्ट्रेंथ का क्या पर्पस है कि जैसे अगर सपोज कंटेनर को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, अब जैसे सपोज रणबैक्स से कोई मेडिसिन बन के आ रही है तो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई होती है, ऑल ओवर इंडिया में क्या इवन वो बाहर भी सप्लाई होती होगी, तो शिपिंग के टाइम, ट्रांसपोर्ट के टाइम जो आपका कंटेनर है उसकी पैकिंग इस तरह से होनी चाहिए कि वो कंटेनर आपका टूटे ना। कि जैसे सपोज अगर कोई ग्लास कंटेनर है, ग्लास भी होते हैं, प्लास्टिक कंटेनर भी होते हैं, प्रेशराइज्ड कंटेनर भी होते हैं, सभी तरह के होते हैं, तो वो जो आपका कंटेनर है उसके कारण किसी भी तरह का कोई हार्म ना हो, किसी भी तरह की कोई ब्रेकेज ना हो, इतना वो स्ट्रेंथ, इतना वो पावरफुल होना चाहिए। तो दूसरी बात है, अगर हम स्ट्रेंथ की कहाँ जरूरत पड़ती है, अगर जैसे कुछ एक मेडिसिन होती हैं कि जिनको हम पैकिंग के टाइम जो कंटेनर्स हैं वो कंटेनर्स हमेशा स्टरलाइज यूज करते हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ ENT प्रिपरेशंस या पेरेंट्रल प्रिपरेशंस, तो उनके अंदर जो कंटेनर्स हैं वो भी प्रॉपर स्टेराइल कंटेनर्स होने चाहिए, फ्री फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो स्टरलाइजेशन के लिए जो हम मेथड्स यूज करते हैं, हॉट एरोमन मेथड या मॉइस्ट हीट मेथड, यही यूज करते हैं। तो जो कंटेनर है उस हॉट एयर ओवन मेथड के अंदर हम 160 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यूज करते हैं, जो कंटेनर है उसके इतने पावरफुल होना चाहिए कि वो इतना टेम्परेचर टॉलरेट कर सके। तो इट मस्ट हैव द स्ट्रेंथ फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड रेजिस्टेंट टू हीट ऑल्सो, हीट के लिए रेजिस्टेंट होना चाहिए। तीसरा इसके अंदर है केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी से पॉइंट क्लियर ही है कि जो कंटेनर है हमारा वो केमिकली रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। कंटेनर और क्लोजर, देखिए दो चीजें यूज करते हैं, कंटेनर जिसमें मेडिसिन डाली है और क्लोजर जिसको हमने ऊपर से सील करने के लिए यूज किया गया है। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये हमारी मेडिसिन के साथ किसी भी एंगल से रिएक्टिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर हमारी डोसेज फॉर्म के साथ रिएक्टिव होंगी तो इसके कारण हमारी डोसेज फॉर्म की स्टेबिलिटी जो है वो इफेक्ट होगी, डोसेज फॉर्म हमारी इनस्टेबल हो सकती है, या कई बार केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है जिसकी वजह से इट मे बी हार्मफुल टू अवर बॉडी, इट मे बी पॉइजनस टू अवर बॉडी। तो इट शुड बी नॉन रिएक्टिव, इट शुड बी नॉन रिएक्टिव टू अवर डोसेज फॉर्म, इट शुड बी नॉन रिएक्टिव टू द डोसेज फॉर्म और टू द मेडिसिन, टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट इज द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है किसी भी तरह की माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, किसी भी तरह की बैक्टीरियल कंटेमिनेशन या वायरल कंटेमिनेशन हमारे प्रोडक्ट को कंटेनर के थ्रू नहीं होनी चाहिए। जो भी कंटेनर्स हैं, जितनी भी मेडिसिन
या फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स पैक की जाती हैं, उनके अंदर पैकेजिंग के से पहले वो जो सारे कंटेनर्स हैं दे मस्ट ऑल्सो बी स्टरलाइज्ड बाय द डिफरेंट मेथड्स। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी हम इसमें कंटेनर्स यूज़ कर रहे हैं दैट कंटेनर्स शुड नॉट बी द मीडिया फॉर एनी टाइप ऑफ माइक्रोबियल कंटेमिनेशन और द वायरल और द बैक्टीरियल कंटेमिनेशन टू द प्रोडक्ट। क्योंकि अगर कंटेनर में ही ऑलरेडी कंटेमिनेशन होगी, कंटेनर में ही ऑलरेडी माइक्रोब्स होंगे, तो इसके वजह से हमारी प्रिपरेशन खराब हो गई होगी। अकेले प्रोडक्ट को या डोसेज फॉर्म को या मेडिसिन को स्टरलाइज करने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए जो भी हम उसमें कंटेनर्स यूज कर रहे हैं वो कंटेनर्स भी हमारे फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ माइक्रोबियल कंटेमिनेशन होने चाहिए। दे शुड बी द फ्री फ्रॉम माइक्रोबियल कंटेमिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिकल वैल्यू फ्री फ्रॉम माइक्रोबियल कंटेमिनेशन। नेक्स्ट इज इकोनॉमिकल वैल्यू, जो सबसे लास्ट पॉइंट है दैट मस्ट बी कंसिडर्ड। इकोनॉमिकल वैल्यू भी हमें कंटेनर की कंसिडर करनी होगी, क्योंकि अगर जो मेडिसिंस हैं जिस तरह से हमारी लाइफ की नीड है रोटी कपड़ा और मकान, उसी तरह से जो मेडिसिंस है मेडिसिंस भी हमारी लाइफ के लिए एक बेसिक नीड है। ठीक, तो बहुत से जो हमारी इंडिया की 70% पॉपुलेशन है या आप 80 भी कह सकते हैं कि वो ऐसी है कि दैट इज द हैंड टू माउथ। तो अगर मेडिसन्स हम चाहते हैं कि इट शुड बी हेल्दी कंट्री, तो इसमें इकोनॉमिकल वैल्यू भी एक बहुत मेन पॉइंट है दैट शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड। क्योंकि अगर पैकेजिंग मटेरियल ही इतना महंगा होगा तो ऑब्वियसली जो आपकी मेडिसन है दैट विल ऑल्सो बी वेरी कॉस्टली। मेडिसन की कॉस्ट भी उसी तरह से बढ़ जाएगी। कई बार आपने देखा होगा जैसे जो मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं, अगर हम कॉस्मेटिक्स की बात करें, कॉस्मेटिक्स भी एक तरह के डोसेज फॉर्म्स ही हैं, वो जस्ट आपकी नॉन मेडिकल वैल्यू है, उसकी कोई मेडिकल वैल्यू नहीं होती। बहुत सी कॉस्मेटिक्स की होती भी है, बहुत से कॉस्मेटिक्स की नहीं होती। तो जो कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स हैं, आपने डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स देखे होंगे, जैसे मेल्स के भी आते हैं या फीमेल्स के भी आते हैं, तो उसमें जो बहुत ब्रांडेड कंपनीज हैं, ब्रांडेड कंपनीज की देखोगे उसके अंदर उनकी पैकेजिंग इतनी अच्छी होती है, और लेकिन उनके अंदर जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है वो बहुत कम क्वांटिटी होती है। तो सिर्फ पैकेजिंग की कॉस्ट है, तो लेकिन हर जो एवरी पर्सन, एवरी नॉर्मल जो पर्सन है, नॉर्मल क्लास का जो पर्सन होता है, दैट इज नॉट एबल टू पे दैट मच वैल्यू। और जो मेडिसिन है, कॉस्मेटिक्स कैन बी अवॉइडेड बट मेडिसिन कैन नॉट बी अवॉइडेड बिकॉज इट इज द बेसिक नीड ऑफ अवर लाइफ। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो भी हम कंटेनर सेलेक्ट कर रहे हैं कि दे शुड ऑल्सो हैव द इकोनॉमिकल वैल्यू, दे मस्ट ऑल्सो बी द चीप कि एंड देयर कॉस्ट शुड बी द सो मतलब जेन्युइन कि जो हमारी डोसेज फॉर्म है या जो हमारी मेडिसिन है इट शुड नॉट बी सो मच ऑफ कॉस्टली। तो देयर कॉस्ट इट शुड मस्ट बी द जेन्युइन कॉस्ट और दे मस्ट बी द चीप कॉस्ट वाइज। तो ये पांच फैक्टर्स है जो हमें वी शुड कंसीडर ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ द कंटेनर, और दीज आर द डिजायरेबल फीचर्स, द फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अपीयरेंस, कि आपका जो कंटेनर है वो दिखने में कैसा है, उसका कलर, ऑर्डर, टेस्ट कहीं आपके डोसेज फॉर्म को अफेक्ट तो नहीं कर रहा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में उसकी जो स्ट्रेंथ है कि ये इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो ट्रांसपोर्टेशन को और हीट को किसी तरह से अफेक्ट ना करे। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में वो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन नहीं कॉज करनी चाहिए किसी भी तरह से। इट शुड बी नॉन रिएक्टिव, जो हमारा प्रोडक्ट है हमारे प्रोडक्ट के लिए कम्प्लीटली नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, ना ही कंटेनर रिएक्टिव होना चाहिए, ना ही क्लोजर रिएक्टिव होना चाहिए। इकोनॉमिकल वैल्यू, और कुछ एक और पॉइंट्स हैं कि जैसे जब हम उसमें से मटेरियल निकालते हैं मेडिसिन, तो इट शुड बी द लीकेज प्रूफ, किसी भी तरह की कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए।
किसी भी तरह के कोई लॉस ऑफ कंटेंट नहीं होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के टाइम, कि हमने पैक 30 ml किया था लेकिन जब वो अल्टीमेटली कस्टमर तक पहुंचा तो उसमें वोलेटाइल मटेरियल था, वो इवेपोरेट होता गया और वो 25 ml रह गया, तो उसको उसी तरह से हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर में पैक करो। तो इस तरह से ये डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं दैट मस्ट बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग द पैकेजिंग ऑफ द कंटेनर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द हाउ टू सेलेक्ट ए कंटेनर, कि अगर हमने कोई मेडिसिन सेलेक्ट करनी है, अगर हमने कोई भी डोसेज फॉर्म है उस डोसेज फॉर्म के लिए हमने सेलेक्ट करना है कि हमने किस तरह का कंटेनर यूज करना है, तो वो किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। Now next is how to select a container. Container हमने select करना है तो container किस किस चीज के ऊपर depend करेगा। First it will depend on the inside the container, fourth it will depend on the sensitivity of the product, it will depend on the sensitivity of the product, and fifth it will depend on the chemical reactivity and cost or economical value of product. तो ये पांच फैक्टर्स हैं, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज द फिजिकल स्टेट ऑफ द प्रोडक्ट, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगी। पीछे जो अभी तक मैंने टॉपिक सारे कवर किए हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स इस टॉपिक के अंदर दोबारा से रिपीट होंगे, तो इसको आप इजीली अपनी किसी बुक में से पढ़ सकते हैं। जस्ट आप इसको समझ लें टॉपिक को, तो इसको जितना मर्जी आप इजीली इलेबोरेट कर सकते हैं। फिजिकल स्टेट ऑफ द डोसेज फॉर्म, अब किसी भी डोसेज फॉर्म की क्या क्या फिजिकल स्टेट हो सकती है, लिक्विड, सॉलिड, सेमी सॉलिड और गैस। तो लिक्विड के लिए हम किस टाइप के कंटेनर्स यूज करेंगे, लिक्विड के लिए हम यूज कर सकते हैं प्लास्टिक बॉटल्स या ग्लास कंटेनर्स, या अगर लाइट सेंसिटिव है तो उसके लिए एम्बर कलर्ड ग्लास कंटेनर्स, जैसे या ईयर और नोज के लिए जो प्रिपरेशन है वो ड्रॉपर्स, ड्रॉपर कंटेनिंग बॉटल्स वो यूज करेंगे। इसी तरह से अगर जो सेमी सॉलिड है जैसे ऑइंटमेंट है, पेस्ट है, वो जो कलेप्सिबल ट्यूब्स हैं या ऑइंटमेंट्स या जो क्रीम्स हैं, क्रीम्स में आपने देखा होगा वाइड माउथ बॉटल्स भी यूज हो सकती हैं या ट्यूब्स यूज होती हैं,
जो गैसेस हैं, गैसेस में जैसे एरोसोल टाइप कंटेनर्स होते हैं जो प्रेशर को टॉलरेट कर सके, उस तरह के कंटेनर्स। और जो फोर्थ फॉर्म रह गई सॉलिड सॉलिड फॉर्म के लिए, जैसे टैबलेट्स है उसके लिए सिंगल सिंगल स्ट्रिप पैकिंग भी हो सकती है, एल्युमिनियम फॉयल पैकिंग भी हो सकती है, ग्लास कंटेनर्स भी हो सकते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स भी हो सकते हैं, सैशेज, पाउच, कुछ भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि एक तो फिजिकल स्टेट आपकी डोसेज फॉर्म की कैसी है, इधर वो सॉलिड है, लिक्विड है, सेमी सॉलिड है या गैस है। इसी से दूसरा जो फैक्टर है हम यहाँ लिंक कर सकते हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेशर इन साइड द कंटेनर, कि अगर जैसे हमारे कंटेनर के अंदर प्रेशर की ज़रूरत है, सपोज अगर मैं यहाँ एक ही तरह के डोसेज फॉर्म आती है इसमें जैसे जो एरोसोल्स हैं, कि एरोसोल्स में अगर हमें डोसेज फॉर्म्स की ज़रूरत पड़ रही है तो अगर हमें जैसे एरोसोल्स के अंदर हमें प्रेशर की ज़रूरत पड़ रही है तो एरोसोल्स जो आप देखिए मोस्टली जो परफ्यूम्स हैं या जो स्प्रेज होती हैं वो मोस्टली एल्युमिनियम कंटेनिंग या मेटल कंटेनिंग जो है कंटेनर्स हैं उनके अंदर पैकिंग होती है, या फिर बहुत ही हार्ड जो ग्लास के कंटेनर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमने गैसेस की वजह से, गैसेस फॉर्म की वजह से या वेपर्स की वजह से प्रेशर क्रिएट होता है और उसके वजह से जो ब्रेकेज के चांसेस हैं वो मिनिमम हो जाएंगे, लॉस के चांसेस हैं वो मिनिमम हो जाएंगे। तीसरा जो पॉइंट है इसके अंदर, दैट इज सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोडक्ट। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सारे के सारे टॉपिक्स जो मैंने पहले करवाए हैं वो इस टॉपिक के अंदर कवर हो गए हैं। सेंसिटिविटी ऑफ प्रोडक्ट के अंदर क्या है कि जो अगर आपका प्रोडक्ट मॉइस्चर सेंसिटिव है तो हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड सेंसिटिव है तो एयर टाइट कंटेनर, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन के चांसेस ज़्यादा है तो वेल क्लोज्ड कंटेनर, लाइट सेंसिटिव है तो एम्बर कलर बॉटल या चाइल्ड रेजिस्टेंट कंटेनर। तो उस हिसाब से हम अपने कंटेनर का जो है सेंसिटिविटी के हिसाब से अपने प्रोडक्ट का जो कंटेनर है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है इसमें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि आपने अपनी जो डोसेज फॉर्म है वो किस रूट से देनी है। सपोज अगर हमने ईयर नोज के थ्रू देनी है तो ड्रॉपर बॉटल्स यूज करेंगे, अगर हमने सिंपल टैबलेट्स या कैप्सूल्स के फॉर्म में ओरल डोसेज फॉर्म्स लेनी है, ओरल लिक्विड भी हो सकती है तो उसके लिए प्लास्टिक या ग्लास बॉटल्स होंगी, या सॉलिड है तो उनके लिए एल्युमिनियम फॉयल पैकिंग, पाउच, सैशे कुछ भी यूज हो सकता है, या इंटरनल जो पेरेंटल प्रिपरेशन हैं उनके इंजेक्टेबल्स हैं उनके लिए वायल, एम्प्यूल्स, या जो थर्मोप्लास्टिक बैग्स होते हैं जिनके अंदर फ्लूड्स होते हैं, डेक्स्ट्रो सोल्यूशन या सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, उस तरह की पैकिंग होगी। केमिकल रिएक्टिविटी और कॉस्ट, केमिकल रिएक्टिविटी सबसे जो मेन फैक्टर है कि किसी भी मेडिसिन को पैक करते टाइम उसकी केमिकल रिएक्टिविटी हमें ज़रूर ध्यान में रखनी होगी, कि जो हम उसके लिए कंटेनर यूज़ कर रहे हैं कहीं वो कंटेनर के साथ रिएक्ट तो नहीं करेंगी, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है प्लास्टिक कंटेनर्स और मेटल कंटेनर्स में, उनके अंदर लीचिंग होती है। लीचिंग की वजह से क्या होता है, कुछ एक उसमें कंटेमिनेशन, कुछ एक उसमें केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमारी प्रिपरेशन को ख़राब करते हैं। इसलिए जो केमिकल रिएक्टिविटी और इकोनॉमिकल वैल्यू, ये चीज़ें हमें उसके अंदर कंसिडर करनी पड़ेगी। तो ये पांच फैक्टर हैं जिसके थ्रू हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें अपने कंटेनर के, अपने प्रोडक्ट के लिए किस तरह का कंटेनर और कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखें, हमें कैसे सुटेबल कंटेनर उसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हम किस टाइप का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। मटेरियल में जैसे ग्लास मटेरियल हो गया, प्लास्टिक मटेरियल हो गया, वैसे तो ग्लास, प्लास्टिक या पेपर बैग हम यूज़ करते हैं या कार्डबोर्ड बॉक्सेस भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली इसमें ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर्स यूज़ किए जाते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू